1980 में भूपेश बघेल जब नहीं पढ़ा और उसके जो बहने हैं वो इंजीनियर बन गए और वो सेकंड ईयर साइंस कॉलेज पास करके और वो नेतागिरी के चक्कर में नहीं पढ़े, तो मैं बोला कि तुमने मेरा नाक काट दी और तुम्हारी बहनें इंजीनियर हैं और तुम साइंस ग्रेजुएट नहीं बने। तो वो सिर गड़ाए खड़ा रहा। मैं बोला कि ये अगर साइंस ग्रेजुएट हो जाएगा या इंजीनियर हो जाएगा तो वार्ड मेंबर नहीं बनेगा। तो मैं बोला भूपेश कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अगर तुमको नेतागिरी में शौक़ है तो मुख्यमंत्री बन के दिखाओ, मैं 100 साल से पहले मरूंगा नहीं और तुमको टीका लगा के मरूंगा। तो उसने पैर पर के कसम खाया। आज 37 साल हो गया, वो लड़का लगातार संघर्ष कर रहा है जी। 3 बार हारा लेकिन उसके आंदोलन में उसके तेज में कोई कमी आई नहीं। एक बार विधानसभा हारा, एक बार रायपुर लोकसभा और एक दुर्ग लोकसभा। लेकिन उस लड़के में इतना जोश था, जोश है अभी भी, कि बराबर संघर्षरत है, 37 साल से है और निश्चित ही चाहे उसका कितना भी विरोध करे वो बनेगा। For more information, log on to www.clips.in.